मध्य प्रदेश के बड़वा में वृत्ताकार सहकारी संस्था बलवाड़ा की शासकीय उचित मूल्य दुकान बांडी खार से सैकड़ों क्विंटल गेहूं, चावल, नमक सहित हजारों लीटर कैरोसिन सहित अन्य माल जब्त कर संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी प्रीति राठौर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान के रामकिशन एवं संस्था प्रबंधक दिनेश श्रीवास के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंडनीय पाते हुए बलवाड़ा थाने में FIR दर्ज कराई है। विगत वर्ष 9/4/2018 में शासकीय उचित मूल्य दुकान बांडीखार का औचक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। इन अनियमितताओं का प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुभागीय अधिकारी राजस्व के सामने प्रस्तुत किया गया था। SDM साहब द्वारा उक्त प्रकरण को कलेक्टर साहब की ओर भेजा गया ताकि इन गंभीर अनियमितताओं पर उचित निराकरण हो सके। कलेक्टर महोदय द्वारा इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु आदेशित किया गया। आपूर्ति अधिकारी ने जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 300 क्विंटल गेहूं, 62.55 क्विंटल चावल, 17.35 क्विंटल नमक सहित 5,126 लीटर कैरोसिन स्टॉक से गायब पाया था, जिसका मौके पर पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन SDM बड़वा एवं कलेक्टर खरगोन को भेजा गया था। कलेक्टर के आदेश के 10 माह बाद मामले में पुलिस थाना बलवाड़ा में प्रकरण दर्ज कराया गया है। ये खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रीति राठौर बड़वा के द्वारा एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें राशन दुकान संचालक रामकिशन और दिनेश श्रीवास द्वारा राशन दुकान में हेराफेरी की गई है खाद्य राशन की, जिसकी शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी, जिस पर जांच की गई थी। उसमें रामकिशन और श्रीवास दिनेश श्रीवास के द्वारा 300 कुंटल गेहूँ, 62.5 कुंटल चावल, 17 कुंटल नमक और 5,000 लीटर से ऊपर घास की हेराफेरी की गई है, जिसकी जांच के बाद में मामला थाने पर कायम किया गया है। मामला जांच में 2018 से लिया गया है, जिसकी जिनके द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रीति राठौर द्वारा पेश किया गया था थाने पर, जिस पर थाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी रामकिशन और दिनेश श्रीवास की तलाश जारी है। दोपहर न्यूज़ के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।